नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी भरे वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी गाड़ी का क्लच पेडल हार्ड हो रहा है या फिर आपको ऐसा फील होता है कि क्लच दबाते समय आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, या फिर सिटी में आप जब गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आपको क्लच बार बार जब दबाना पड़ता है तो आपका अगर पैर दर्द कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि पहले से क्लच हार्ड हो गया है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, आपको क्या चीज़ चेक करवानी है, ये आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में क्लच पेडल हार्ड होने के बाद आपकी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं जो कि सही नहीं है, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इससे क्या इशू आपकी गाड़ी में आएंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा दोस्तों, आपकी गाड़ी में दो तरह के क्लच सिस्टम होते हैं, एक वायर क्लच सिस्टम और एक हाइड्रोलिक। जैसे कि मेरी गाड़ी में हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम है तो इसको आपको एडजस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो वायर क्लच सिस्टम होता है उसको आपको समय समय पर एडजस्ट कराना होता है। यानी कि पेडल में जो फ्री प्ले होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पेडल में इतनी प्ले है, ये आप देख रहे हैं ना, तो इतनी प्ले हर पेडल में होना ज़रूरी है, चाहे आपके पास हाइड्रोलिक क्लच वाली गाड़ी हो या फिर वायर सिस्टम वाली गाड़ी हो जिसे मैनुअल तरीके से एडजस्ट किया जाता है, और सर्विस के दौरान आपको हर समय आपको ये चीज़ करनी है। अब कुछ कंडीशन में ऐसा भी देखा गया है कि मैकेनिक जो है वो क्लच पेडल को थोड़ा सा ज़्यादा टाइट कर देते हैं, इससे भी दोस्तों काफ़ी नुकसान होते हैं, यानी फ्री प्ले को ख़त्म कर देते हैं, इससे आपकी गाड़ी का जो क्लच प्लेट है समय से पहले ही ख़राब हो जाता है। तो अब मुद्दे की बात पे बात करते हैं कि क्लच पेडल हार्ड होने का क्या कारण है और इससे क्या क्या नुकसान है। देखिए दोस्तों, जब भी आपकी गाड़ी का क्लच पेडल हार्ड हो, तो अगर आपकी गाड़ी में वायर क्लच सिस्टम है उसके लिए मैं बता दूँ कि आपको जो वायर है क्लच का उसको चेक करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर से वो टूट जाता है, और अंदर से टूटने की वजह से जो वायर है दोस्तों वो अटकने लग जाता है, जिससे पेडल हार्ड दबता है और आपको प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि क्लच पेडल में कोई ना कोई इशू हो गया है या हमारी गाड़ी की क्लच में कोई इशू हो गया है, जबकि वायर का इशू हो सकता है। ये प्राइमरी तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैकेनिक के पास ले जाते हैं, वो वायर को चेक करते ही नहीं है और वो बोलते हैं क्लच प्लेट में इशू है, तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। इसके बाद अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों, चाहे आपके पास हाइड्रोलिक क्लच वाली गाड़ी हो या फिर मैनुअल क्लच वाली गाड़ी हो, यानी कि वायर क्लच वाली गाड़ी हो, यानी उसमें मैनुअली एडजस्टमेंट किया जाता है, अगर ऐसा हो रहा है कि क्लच पेडल हार्ड हो रहा है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट का ख़राब होना। क्लच प्लेट जब भी हम चेंज कराते हैं, या क्लच असेंबली जो होती है दोस्तों, वो केवल क्लच प्लेट को आपको चेंज नहीं करना होता, क्लच प्लेट के साथ में आपको प्रेशर प्लेट, साथ में वेयरिंग भी चेंज करना होता है, तो ये पूरी क्लच असेंबली होती है। कभी कभी देखा गया है कि वेयरिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो प्रेशर प्लेट होती है, जो क्लच प्लेट होती है, उसके ख़राब होने पर ही ऐसा होता है कि क्लच पेडल जरूरत से ज़्यादा टाइट हो गया है, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये दो मुख्य कारण है आपकी गाड़ी का, अगर क्लच पेडल हार्ड हो रहा है तो आपको अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट चेक करानी है, और जैसा कि मैंने कहा कि उससे पहले अगर आपकी गाड़ी में वायर क्लच सिस्टम है तो वायर को चेक कराना है, कहीं वो टूट तो नहीं गया, कहीं अटक तो नहीं रहा, उसमें ल्यूब्रिकेशन ख़त्म तो नहीं हो गया। हालांकि उसमें ल्यूब्रिकेशन किया नहीं जाता है, अगर वायर टूटता है तभी ऐसा होता है कि क्लच पेडल जरूरत से ज़्यादा हार्ड आपको फील होता है, तो प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट ख़राब होने के कारण ऐसा होता है। अब इसके नुकसान क्या है, अगर आप बिना देखे ही गाड़ी को इस तरह से चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी में नुकसान क्या है। देखिए, पहला नुकसान तो यही है कि आपकी गाड़ी माइलेज कम देगी, क्योंकि क्लच प्लेट की कंडीशन ख़राब होगी तो आपकी गाड़ी का इंजन ज़्यादा आवाज़ करेगा और गाड़ी भागेगी कम, तो माइलेज आपकी गाड़ी का ड्रॉप हो जाएगा। तो दोस्तों, माइलेज अगर कम होता है तो गाड़ी में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप इस कंडीशन में गाड़ी को चलाते हैं तो आपकी गाड़ी के जो गियर है दोस्तों वो हार्ड लगते हैं। रिवर्स गियर आपने देखा होगा हार्ड लगता है या फिर अटकता है, लेकिन फॉरवर्ड गियर अगर आपके हार्ड लग रहे हैं या फिर अटक रहे हैं, एक बार में गियर नहीं लग रहा है, या फर्स्ट गियर आपका टाइट लग रहा है या फिर अटक रहा है, तो उसके पीछे का यही रीज़न है कि आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट ख़राब हो गई है, यानी आपकी गाड़ी का जो क्लच है वो सही से दबी नहीं रहा है और आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी गियर काम नहीं कर रहे, गियर प्रॉपरली नहीं लग रहे हैं, ठीक है। एक हमारे सब्सक्राइबर में इतने क्वेश्चन पूछा था कि सर, मेरी गाड़ी का फर्स्ट गियर हार्ड लग रहा है, रिवर्स गियर तो हार्ड लगता ही है सभी गाड़ियों में क्योंकि उसमें सिंक्रोनाइज सिस्टम नहीं होता है, ये मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया भी है। तो अगर आपका फर्स्ट गियर भी हार्ड लग रहा है या फिर सभी गियर आपके हार्ड लग रहे हैं या फिर गियर अटक रहे हैं, तो आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट ख़राब हो चुकी है और पूरी असेंबली को आपको चेंज कराना होगा। तो अगर ऐसा फील हो रहा है तो इसके पीछे का ये रीज़न है। इससे नुकसान जो है वो यही है कि एक तो गियर जो है वो दोस्तों प्रॉपर नहीं लगेंगे, दूसरा गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो जाएगा, अननेसेसरी फ्यूल बर्न होगा और आपकी गाड़ी का इंजन का आरपीएम ज़्यादा होगा जबकि गाड़ी कम भागेगी। तो ये एक जानकारी थी क्लच पेडल के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।